किसरा से खबर आई जहां जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के अलीपुर गांव में सोमवार को एक घर में बम विस्फोट हुआ। इस घटना में 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में एडमिट किया। बम विस्फोट के कारणों का पता करने में पुलिस जुट गई है। फिलहाल घायलों के बारे में कोई जानकारी पुलिस की तरफ से जारी नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले भागलपुर में पटाखा बनाने के दौरान बम विस्फोट की घटना सामने आ चुकी है, जिसमें कई लोग मारे गए थे। शुरुआती जांच में पुलिस को असामाजिक तत्वों का हाथ नजर आया था। हालांकि बाद में पुलिस ने साफ किया था कि पटाखा बनाने के दौरान बम विस्फोट की घटना घटी है, जिसमें किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियां नहीं है, जिसे लेकर बिहार सरकार ने प्रदेश भर में अवैध रूप से पटाखा बनाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया था और ऐसे दुकानों को सील करने के साथ ही जुर्माना भी दुकानदारों पर लगाया गया था। कैसे क्या हुआ? मेरे मम्मी पापा घर बना रहे थे, उसके बाद सब देखे कि यहाँ पे घर पलटी हुए था, उसके बाद देखे तो सब लोग देखने लगे क्या है, उसके बाद मेरा मम्मी हाथ में लिए बस फूट गया। कितना बम था? 3 बम। किसके घर में था? मेरा ही मतलब बाहर में था, घर से बाहर जहाँ ईटा था वहाँ पे। जानकारी मिली है कि शंकर यादव के घर में रखा हुआ था ईटा के नीचे बम, वही ब्लास्ट किया।